नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे हम कक्षा 11वीं हिंदी अंतरा भाग 1 से पाठ सूरदास, इसके बहुवैकल्पिक प्रश्न यानी कि MCQ। इसमें दोनों पदों के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा की गई है। साथियों, इसके PDF के लिए आप लिंक में मैसेज कर सकते हैं और अन्य कक्षाओं की वीडियो MCQs देखने के लिए भी आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये दो पद हैं इसके, खेलन में को काको गोसैया और दूसरा पद है मुरली तऊ गोपाल ही भावती। आपने इन दोनों को पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आप ठीक तरह से इनको पढ़ लें, समझ लें। अब आते हैं हम इनके प्रश्नों पर। यदि आपको इनके वीडियो यानी इनकी व्याख्या देखनी है तो आप उस दूसरे वीडियो को सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? ए रामानंद, बी कुमनदास, सी वल्लभाचार्य, डी स्वामी नरहरी दास। सूरदास जी के गुरु थे वल्लभाचार्य, विकल्प सी सही होगा। नंबर दो, खेलन में को काको गोसैया पंक्ति के अनुसार खेल में प्रत्येक खिलाड़ी का सम्मान होता है, बराबर का, एक दूसरे के अधीन होते हैं, सर्वोपरि होते हैं, ऊंचा नीचा स्थान होता है। तो इसमें विकल्प ए सही है, बराबर का, प्रत्येक खिलाड़ी का टीम में बराबर का स्थान होता है, बराबर का सम्मान होता है, भले ही वो कप्तान हो चाहे कोई भी हो, चाहे अन्य खिलाड़ी हो, सबका सम्मान बराबर होता है। नंबर तीन, सूरदास के अनुसार खेल में कौन हारा? श्री कृष्ण, सुदामा, ग्वालबाल, राधा। विकल्प ए सही है, श्री कृष्ण, यानी जो श्री कृष्ण है वो खेल में हार जाते हैं और फिर खींचने लगते हैं। नंबर चार, जाति पाति हमते बढ़नाही पंक्ति में ग्वाल बालों के माध्यम से किस कुरीति का चित्रण किया है, या सूरदास ने समाज में व्याप्त कौन सी बुराई का चित्रण किया है? सूरदास ने देखो बातों ही बातों में ग्वाल बालों के माध्यम से एक सामाजिक बुराई का चित्रण किया है, और आप उसकी पहचान करें और मेरे उत्तर बताने से पहले उत्तर दें। जातिगत भेदभाव, सती प्रथा, नरबली, बाल विवाह। तो जाति पाति हमते बढ़नाही, इसमें पहला ही विकल्प सही है, जातिगत भेदभाव। जो ग्वाल वाले हैं, ग्वाल हैं, वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप ये सोच रहे हो कि हम आपसे जाति में बड़े हैं, आप हमसे जाति में बड़े नहीं हैं। तो उस समय भी जातिगत भेदभाव देखने को मिलता था। विकल्प ए सही है, जातिगत भेदभाव। पांच, साथियों ने कृष्ण द्वारा अधिक अधिकार जताने का क्या आरोप लगाया? कृष्ण के पास अधिक गाय हैं इसलिए वह अधिक अधिकार जताते हैं, वह जाति में उच्च थे इसलिए अधिक अधिकार जताते थे, खेल में बड़े माहिर थे इसलिए अधिक अधिकार जताते थे, वह बेईमान थे इसलिए अधिक अधिकार जताते थे। तो विकल्प ए सही है, कृष्ण के पास अधिक गाय हैं इसलिए वो अधिक अधिकार जताते हैं। नंबर छः, अति अधिकार में कौन सा अलंकार है? देखो यहाँ अवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए आप पहचान जाइए कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास, उपमा, रूपक या उत्प्रेक्षा। विकल्प ए सही है, अनुप्रास अलंकार। अगला प्रश्न, खेलते समय बेईमानी करने लगते हैं, इसमें श्री कृष्ण के कौन से मनोभाव प्रकट होते हैं? जो श्री कृष्ण है वो बेईमानी करने लग जाते हैं, तो यानी बचपन में ज़्यादातर बच्चे ऐसा करते ही हैं, तो ऐसा क्यों होता है, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं उनके मन की कौन सी प्रवृत्ति इसमें दिखाई देती है? बालहठ एवं खीज, क्रोध एवं हिंसा, मित्रों से प्रेम और लगाव, बड़प्पन। तो उसमें जो उनका स्वभाव है, बालहट एवं खीज, ये उनमें से दिखाई देती है। ए विकल्प सही है। कृष्णा हारने के बाद भी दोबारा खेलने के लिए तैयार क्यों हो जाते हैं? अब देखो मित्रों की आदत होती है, वो हार जाते हैं, लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर एक हो जाते हैं। ए, वे हार नहीं मानना चाहते, उनके मन में खेलने की इच्छा है, नंद बाबा के कहने के कारण, ए और बी दोनों। विकल्प डी सही है, ए और बी दोनों, यानी वे हार भी नहीं मानना चाहते थे और उनके मन में खेलने की इच्छा भी थी, इसलिए वो दोबारा से खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। नंबर नौ, सूरदास के पदों में निम्न में से क्या परिलक्षित होता है? बाल मनोविज्ञान का चित्रण, सखा भाव की भक्ति, सगुण भक्ति भावना, उपरोक्त सभी। तो ऊपर की जो तीनों ही चीज़ें हैं, तीनों जो विशेषता हैं, वो उसमें दिखाई देती हैं। वो बाल मनोविज्ञान का चित्रण करते हैं, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण करते हैं, सखा भाव की भक्ति है और सगुण भाव की भक्ति भी है।
तो उसमें विकल्प डी सही है। नंबर 10, गोसैया शब्द का क्या अर्थ है? ग्वाल, भक्त, दास, स्वामी। गोसैया शब्द का जो अर्थ है वह है स्वामी। डी विकल्प सही होगा। 11, सूरदास के पदों की भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा, अवधी भाषा, हरियाणवी भाषा, बुंदेली भाषा। ए, ब्रज भाषा सही है। सूरदास के पदों की जो भाषा है वो ब्रज है। नंबर 12, गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण को कौन नाचना चाहता है? मुरली, गोपियां, सूरदास या ग्वाल बाल? विकल्प ए सही है, मुरली। गोपियों के अनुसार मुरली उनको नाचना चाहती है। जिधर कहती है उधर ही वो झुक जाते हैं और वैसे बंसी बजाने लगते हैं। नंबर 13, कर पल्लव पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कर पल्लव यानी हाथ रूपी पत्ते, तो रूपक अलंकार, अनुप्रास, उपमा या उपरोक्त में से कोई नहीं। विकल्प ए सही है, रूपक अलंकार है। यहाँ पर हाथों पर पत्तों का आरोप किया गया है। मुरली तऊ गोपाल ही भावत, पद में गोपियों का कौन सा मनोभाव व्यंजित होता है? वासना, घृणा, सद्यसनाता, सौतिया डहा या ईर्ष्या। डी विकल्प सही है, सौतिया डहा या ईर्ष्या। मुरली को वो अपनी सौतन मानती हैं तो उनके मन में जलन होने लगती है। नंबर 15, गिरधर नार नवावती में अलंकार बताइए। तो यहाँ भी देखो रा और ना और वा इन वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ यमक अलंकार, रूपक, मानवीकरण या अनुप्रास, इनमें से कौन सा अलंकार होगा? तो देखो जैसे नीचे उदाहरण मैंने और भी दिए हैं, जैसे पल्लव पलटावती, कोप करवावती, नैन नासापुट, तो यहाँ एक एक वर्ण की आवृत्ति और इन बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। सब में अनुप्रास अलंकार है। डी विकल्प सही है। नंबर 16, कर पल्लव अधर सज्जा में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, यमक, रूपक या अनुप्रास? कर पल्लव हाथ रूपी पत्ते, कर पल्लव यानी जो पत्ते रूपी हाथ, पत्ते रूपी को, पत्ते रूपी हाथ का मतलब है कि पत्तों के जैसे कोमल हाथ। अधर सज्जा होठों की, होठों रूपी सज्जा, सैया, सेज। तो यहाँ उत्तर सी सही है, रूपक अलंकार। नंबर 17, प्रस्तुत पद में गोपियाँ किसे स्वतन मानती हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो इसका उत्तर आप बताएं जल्दी से। राधा, कोयल, मुरली या कुब्जा, किसे स्वतन मानती हैं? थोड़ी देर पहले मैंने उत्तर बताया था इसका। विकल्प लिखें जल्दी से और अपने विकल्प को मिलान करें। विकल्प सी सही है, मुरली। नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी, बीजक। डी विकल्प सही है, बीजक। बीजक रचना इनकी नहीं है, कबीर की है। ऊपर की तीनों रचनाएं सूरदास की हैं। 19, हरि हारे जीते श्री दामा, बरबस ही करत कत करत रसैया। इस पंक्ति में रेखांकित पद में कौन सा अलंकार है? रेखांकित पद कौन सा है? हरि हारे। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो वर्ण की आवृत्ति है हरि हारे में, वर्ण बार बार आ रहे हैं दोनों ही, तो डी अनुप्रास अलंकार सही है। नंबर 20, अति आधीन सुजान करोड़े पंक्ति में करोड़े शब्द का क्या अर्थ है? रीति, कृपा से दबे हुए, शीश, नाक। विकल्प बी सही है, कृपा से दबे हुए। विद्यार्थियों, आप इस चैनल पर अन्य पाठों के MCQ भी देख सकते हैं। धन्यवाद।